हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंपैरिजन बिटवीन रेड एंड ब्लैक ट्रीज एंड एवीएल ट्रीज। मेरे पहले वाले वीडियोस में आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू रेड एंड ब्लैक ट्रीज देखा है और उसके साथ साथ इंसर्ट ऑपरेशन ऑन रेड एंड ब्लैक ट्री भी देखा है। इसके जो वीडियोज के लिंक है मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में फ्लैश कर रही हूँ। अगर आपको ये दोनों चीजें पहले पता नहीं है तो प्लीज वो वीडियो आप पहले देख लो, फिर ये वाला वीडियो कंटिन्यू करो। इसके साथ साथ मैं एवीएल ट्री का भी वीडियो यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन को जाने से पहले हमें ये दोनों ट्रीज क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज पहले वो प्रीवियस वाले वीडियो देखिए, फिर आगे जाके हम कंपैरिजन देखते हैं। तो चलो, मैं अभी ऐसे मानती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों ट्रीज का इंट्रोडक्शन पता है और हम आगे जाके इसका कंपैरिजन देखते हैं। जो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है वो डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे किया हुआ है। मतलब ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, वो पैरामीटर्स आर्बिट्री के लिए कैसे वर्क होते हैं और एवीएल ट्री के लिए कैसे वर्क होते हैं मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आर्बिट्री में यहाँ पे लिख रही हूँ, उसका फुल फॉर्म है रेड एंड ब्लैक ट्री। तो ये वाला जो कॉलम है वो रेड एंड ब्लैक ट्री के लिए है, ये थर्ड वाला जो कॉलम है वो एवीएल ट्री के लिए है। तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर है वेदर, जो हमारा आरबी ट्री है और एवीएल ट्री है वो बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री होता है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये दोनों भी ट्री, रेड एंड ब्लैक ट्री एंड एवीएल ट्री, दोनों भी बाइनरी सर्च ट्री सबसे पहले होते हैं। सो सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो होता है ये दोनों ट्री में। अगर वो दोनों बाइनरी सर्च ट्री है, अगर वो होते हैं तो ही हम बोल सकते हैं कि शायद से आगे जाके जो हमारा ट्री है हमारे पास वो आर्बिट्री है या नहीं, वैसे ही वो एवीएल ट्री है या नहीं। ऑब्वियसली रूल्स जो होते हैं दोनों ट्री के लिए वो भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे रूल्स जो कि हमें लगते हैं रेड एंड ब्लैक ट्री के लिए। सो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट रूल है, हम सबसे पहले कलर चेक करने वाले हैं और करते हैं कि हर एक नोड का कलर रेड और ब्लैक है या नहीं। अगर वो रेड एंड ब्लैक ट्री है तो हर एक नोड का कलर आइदर रेड और ब्लैक होना चाहिए। अगर वो है तो हम अगला प्रॉपर्टी चेक करेंगे और अगला रूल चेक करेंगे कि हमारे रूट का कलर कौन सा है। तो वो अगर ब्लैक है तो चलो ये भी ट्रू हो जाएगा कि सेकेंड प्रॉपर्टी भी ये ट्री फॉलो कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि एडजेसेंट नोड्स जो होते हैं वो एडजेसेंट नोड क्या उनका कलर रेड है। अगर उनका कलर रेड है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला ट्री भी हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री हो सकता है। अगला वाला प्रॉपर्टी जो होता है, हर एक पाथ में कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है। अगर वो इक्वल है, सेम है, तो हाँ ये भी हम बोल सकते हैं कि चलो ये ट्री रेड एंड ब्लैक ट्री हो सकता है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री भी है और पहले वाली चार प्रॉपर्टी भी ये फॉलो कर रहा है। पर लास्ट प्रॉपर्टी भी अगर ये फॉलो करता है तो श्योर शॉट ये रेड एंड ब्लैक ट्री है। तो लास्ट प्रॉपर्टी है क्या हर एक लीफ नोड ब्लैक कलर का है। तो अगर ये ब्लैक कलर का होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है बाबा, ये हमारा ट्री रेड एंड ब्लैक ट्री है। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डाला हुआ है जो कि है रेड एंड ब्लैक ट्री। तो यहाँ पे
सबसे पहले हर एक नोड का कलर रेड एंड ब्लैक है, उसके बाद हमारा रूट नोड भी ब्लैक है, कोई एडजेसेंट नोड नहीं है जिनका कलर रेड है, और हर एक पाथ में सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है। आप देख सकते हो हर एक पाथ में 3 ब्लैक नोड्स है, एंड सबसे लास्ट वाला जो सभी नील नोड है या लीफ नोड है वो सारे ब्लैक कलर के है। तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, एज वेल एज जो हमारा ट्री है वो क्या है, ये वाला ट्री वो है बाइनरी सर्च ट्री, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है वो रेड एंड ब्लैक ट्री है। ये सारी चीजें हुई रिगार्डिंग रेड एंड ब्लैक ट्री। अभी हम देखते हैं AVL ट्री के लिए। सो AVL ट्री के लिए हमें सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है कि हमें चेक करना है उसका बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर क्या होता है? बैलेंस फैक्टर ये होता है कि हमें जो हाइट मिलती है हर एक नोड की, उसके लेफ्ट सब ट्री से और उसके राइट सब ट्री की हाइट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। वो हाइट सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं हम बैलेंस फैक्टर। वो अगर हमारा -1, 0 या 1 है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो AVL ट्री है वो है हमारा बैलेंस ट्री है, और फिर जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा AVL ट्री है। तो उसके लिए ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो फॉर नोड 25 उसका बैलेंस फैक्टर है 0, क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री का हाइट है 1, 2 एंड 3 एंड उसके राइट सब ट्री का हाइट है 1, 2 एंड 3। 3 माइनस 3 इज 0, दैट्स व्हाई ये उसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। वैसे हर एक नोड के लिए कैलकुलेट किया हुआ है और इट लाइज बिटवीन -1, 0 एंड 1, दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि जो बनाया हुआ ट्री है वो है AVL ट्री, एज वेल एज ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है। आगे के पैरामीटर है, क्या ये हमारा ट्री जो बन रहा है आफ्टर डिफरेंट इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन, तो हम अगर हमें उसे चेक करना है कि ये बना हुआ ट्री हमारा आर्बिट्री है या नहीं, वो बैलेंस है या नहीं, वो अगर हमें चेक करना है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया हुआ है कि हमें जैसे ही चेक करना है हाउ द ट्री कैन बी आइडेंटिफाइड एज बैलेंस और नॉट, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे सभी रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये ट्री आर्बिट्री है। अगर AVL ट्री की बात करते हैं तो फिर से हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, अगर वो बैलेंस फैक्टर हमारा -1, 0 या 1 होता है तो हम बोल देंगे कि ये वाला ट्री हमारा AVL ट्री है। आगे जाके हमें क्या चेक करना है, तो आगे वाला पैरामीटर है टूल्स फॉर बैलेंसिंग। तो हम जो बैलेंस करने वाले टूल्स यूज करेंगे यहाँ पे आर्बिट्री के लिए, तो वो है हमारा रिकलरिंग एंड रोटेशन। आर्बिट्री के लिए हमारा है रिकलरिंग एंड रोटेशन, दो टूल हम यूज करेंगे। जहां तक कि AVL ट्री का सवाल है हम यहाँ पे सिर्फ रोटेशन यूज करेंगे। आगे जाके हमें देखना है कि कौन सा ट्री कौन सा ऑपरेशन के लिए इफिशियंट है। तो हमारा जो आर्बिट्री है वो इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए इफिशियंट है, बल्कि हमारा AVL ट्री जो है वो सर्चिंग के लिए इफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा इम्बैलेंस होता है ट्री आफ्टर इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन, तो हम सिंगल ऑपरेशन रोटेशन परफॉर्म करके हम वो ट्री बैलेंस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ आर्बिट्री अगर ट्री इम्बैलेंस है तो हमें दो ऑपरेशन शायद से परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो जो करता है वो होता है हमारा बैलेंस ट्री। और उसके बाद हम देखते हैं इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा वो इंसर्शन के लिए डिलीशन के लिए और सर्च ऑपरेशन के लिए दोनों ट्री का सेम है, वो है बिग ओ लॉग एन, एंड यहाँ पे वो है बिग ओ लॉग एन। दोनों ट्री के लिए तीनों ऑपरेशन के लिए हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इक्वल है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ रेड एंड ब्लैक ट्री एंड AVL ट्री।
तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोज और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।